हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और राहुल क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जुगाड़ से एक मोटर बनाएंगे और देखेंगे कि कितनी अच्छी तरह से वर्क करता है। तो चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं ताकि हम जान सकें कि इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक GI सीट का एक पीस लेना होगा। इसको मैंने राउंड में काट लिया है और इसके बीच में मैंने 3 गैप्स कर लिए हैं। दोस्तों, ये हमारा फार्मा है, इसी से हम बाकी के जो GI शीट है उनको हम निकालेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर हमारे फार्मा को रखकर मार्किंग कर दूंगा। उसके बाद मार्किंग के अनुसार यहाँ पर मैं कट कर लूँगा, लेकिन मार्क करने से पहले यहाँ पर बीच में हमें एक होल करना होगा। तो फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए कि आपको ये आइडिया कैसा लगा है। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मार्किंग कर लिया है। अब मार्किंग करने के बाद इसको हम यहाँ पर काटेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको काटना बहुत ही इजी है, लेकिन काटते टाइम इस बात का ध्यान रखिएगा कि क्योंकि इसके एजेस जो है वो बहुत ही शार्प होते हैं, तो आपका हाथ जो है वो कटने का चांसेस होता है। तो हो सके तो ग्लव्स पहनकर इस काम को कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बीच में हमने लाइन्स ड्रॉ किया था उनको भी हम यहाँ पर काटेंगे। साइडों को मैं यहाँ पर कैंची से काट रहा हूँ और फिर बीच वाला जो लाइन है उसको हम यहाँ पर थर्मोकोल कटर से काट लेंगे। इससे बहुत ही आसानी से ये GI शीट जो है वो कट जाता है। यहाँ पर आप इस तरह के जितने GI शीट लेंगे, आपका जो मोटर है वो उतनी ज़्यादा IPM से मूव करेगा और इससे आपका ED करंट लॉस जो है वो भी कम होगा। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो GI शीट है वो कट के अब तैयार है। तो ये भी हो गया है, आखिरी वाले को हम काट लेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह मैंने बहुत सारे GI शीट्स को काट लिया है। यहाँ पर लगभग मेरे पास 15 पीसेस हैं। उनके बाद आपको यहाँ पर कुछ कागज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि पेपर्स, मोटे वाले पेपर्स, उनको भी मैंने इसी शेप में काट लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक लोहे के कांटे की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको कि हमने घिसकर कुछ इस तरह से बना दिया है। उसके बाद हम इन सभी चीज़ों को असेंबल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कागज़ ले रहे हैं, उसके ऊपर हम GI शीट को रखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 GI शीट और उनके बीच में एक कागज़ का जो पीस है उसको हम रख रहे हैं, यानी कि उसी तरह से हम यहाँ पर असेंबली जो है वो कर रहे हैं। कागज़ देने का फ़ायदा यह है कि एक तो हमारा जो हम बना रहे हैं GI शीट जो है वो उसका वो थोड़ा मोटा हो जाएगा, जिससे कि जो RPM है वो भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। तो दोस्तों, ये एकदम जुगाड़ से बना हुआ है और अगर मैं कहूँ तो इसको मैंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर से बनाया है, यानी कि मुझे इसका रिज़ल्ट जो है वो ठीक से अभी तक पता नहीं है। बस यहाँ पर हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि ये कितनी अच्छी तरह से वर्क करेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर एरेल्डेट लिया है और उसको हमारे इस बॉडी के ऊपर पूरी तरह से लगा दिया है। इससे हमारा बॉडी जो है वो स्ट्रांग बन जाएगा और घूमते टाइम ये बाहर नहीं निकलेगा। तो इसको अच्छे से लगाने के बाद जब ये सूख जाए, इसको हम यहाँ पर एंगल ग्राइंडर की मदद से थोड़ा घिस लेंगे ताकि ये इसका सरफेस जो है वो थोड़ा इवन आउट हो जाए। अगर आपके पास एंगल ग्राइंडर नहीं है तो आप जो सैंड पेपर आता है उसके ऊपर रखकर इसको थोड़ा ज़ोर से घिस लेना, तो आपका काम वहाँ पर भी हो जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर एक कॉपर का प्लेट जो आता है उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेना होगा। इससे हमारा कम्यूटेटर जो है वो बनेगा। मेरे पास यहाँ पर ख़त्म हो चुका वाला एक पेन है, इसी से हम हमारा कम्यूटेटर जो है वो उसको बनाएंगे। तो पेन का जो पीछे वाला साइड है उसको हम यहाँ पर हैक्सो की मदद से काट लेंगे। तो देखिए हमारा जो पेन है यानी कि छोटा वाला पीस जो है पेन का होता है वो कट के अब तैयार है। और फिर मेरे पास यहाँ पर जो कॉपर का प्लेट मैंने आपको दिखाया था उसको मैंने थोड़ा राउंड शेप में इस तरह से मोड़ लिया है ताकि हमारा जो पेन है उसके ऊपर हम इसको चिपका सकें। इस पेन को हमारा जो एक्सल हमने बनाया था कील से, उसके अंदर आपको डालना है। हमारे पेन के ऊपर हमें जो हमने कॉपर के प्लेट्स को बनाया था उसको हम यहाँ पर चिपका देंगे। मैंने यहाँ पर अभी के लिए सुपर ग्लू यूज़ किया है ताकि अभी के लिए ये चिपक जाए। उसके बाद आपको यहाँ पर या तो आप यहाँ पर एम सिल यूज़ कर सकते हो या फिर जो बॉन्ड टाइट या फिर एरेल्डेट आता है उसको यूज़ करके इसको अच्छी तरह से टाइट बना सकते हो। वो करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा घिस लेना है ताकि इसका सरफेस जो है वो इवन आउट हो जाए। और कॉपर के ऊपर अगर भी कहीं पर ग्लू लगा हुआ होता है तो वो भी निकल जाए। तो देखिए ये जो दो एक्स्ट्रा पेपर के पीसेस है इसको मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ और इनके बीच में हम यहाँ पर कॉपर वायर को जो उसको वायर करेंगे, यानी कि इनके अंदर हम वायरिंग जो है कॉपर वायर से उसको करेंगे। मेरे पास यहाँ पर 26 नंबर का कॉपर वायर है। इनको हम यहाँ पर 50 टन से यहाँ पर वायरिंग करेंगे। तो चलिए इसको हम यहाँ पर करते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम 50 टन से इसको कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 50 हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा जो कॉपर वायरिंग है वो हो गया है। यहाँ पर दो वायर्स जो है आपको निकलते हुए दिख रहे होंगे, वो उसका पहला वाला और आखिर वाला वायर्स होते हैं। इसी तरह से मैंने बाकी के जो दोनों साइड से वहाँ पर भी वायरिंग कर लिया है। उसके बाद इसके ऊपर हम हमारा कम्यूटेटर जो है उसको लगाएंगे और कम्यूटेटर के जो नीचे हमने छोटे छोटे स्लॉट्स निकाले थे वहाँ पर हम कॉपर वायर्स को वायरिंग करेंगे। तो इस वीडियो में यहाँ पर आपको देखकर ये थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा होगा। इसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। वो डायग्राम यानी कि उसका जो पिक्चर वाला डायग्राम है उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां पर जाकर देख लेना, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने PVC से इसका एक जुगाड़ सा बॉडी बनाया है। ये बहुत ही बेसिक बॉडी है जिसके अंदर हमारा मोटर जो है वो लगा हुआ होता है। बीच में नीचे की ओर हमने एक मैग्नेट लगा दिया है, तो जब भी हम यहाँ पर करंट पास करें ये यहाँ पर मैग्नेट जो है वो भी थोड़ा वो चार्ज हो जाए और हमारा मोटर जो है वो घूमना चालू हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा कम्यूटेटर जो लगा हुआ है। तो ये रहे दो कॉपर वायर्स, इनको हम यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे जैसे कि ये दोनों कॉपर वायर्स हमारे कम्यूटेटर को टच कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा सुपर ग्लू देकर इनको चिपका रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो को बनाते टाइम मेरे साथ एक छोटा सा प्रैंक हो गया था, तो अगर आपने वीडियो को पूरी तरह से देखा होगा तो आपको वो प्रैंक पता चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमारा जो मोटर है बन के तैयार है। तो चलिए इसको अब हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक बैटरी है, ये बैटरी 11.1 वोल्ट का है। इसको कैसे बनाना है अगर आपको जानना है तो इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर वो वीडियो आप देख सकते हो। तो चलिए अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारा जो जुगाड़ से हमने मोटर बनाया है वो कितनी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है।